हिमांशु मिश्रा आज अपने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, रहता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट बी थ्री ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू इज क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बी थ्री ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसे एग्जांपल, मैं वह मेरी मदद कर चुका है तो ही हैज हेल्प मी, ही सी इट नेम के साथ हैज लगता है और आई वी यू एंड दे के साथ हैव का उपयोग करते हैं। इसमें भर के तीसरे रूप का उपयोग किया जाता है और ही हैज हेल्प मी सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैज, फिर हेल्प्ड, फिर मी। मैं इस काम को समाप्त कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क। आते हैं अब अगली टेंस की ओर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ईटीसी के साथ सब समय भी दिया रहता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम, निगेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम, और इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एस क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल पे आते हैं, वह पिछले पाँच सालों से पढ़ा रहा है या पढ़ाते रहा है। ही हैज़ बीन ही के साथ लगेगा, फॉर में आई एन जी टीचिंग फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ध्यान देने वाला चीज़ है ही के साथ हैज़ बीन लगेगा, और अनिश्चित समय के पहले फॉर लगेगा और निश्चित समय के पहले सिंस लगेगा। जैसे सुबह से शाम से सोमवार से दिन का नाम दिया रहा है, अप्रैल से 1980 से, इसमें सिंस का प्रयोग करते हैं और निश्चित टाइम के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं।